पूरा रास्ता सजा दिया है और तुम्हें भी सजने के लिए कहा है झारखंड बाबा। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम लोग जाओ जाकर उसको लेकर आओ। तब तक मैं श्रृंगार करके तैयार रहती हूँ, जाओ जाकर लेकर आओ ना उसको, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। ठीक है चलो चलो चलो। क्या श्रृंगार कर रहे हो तुम लोग, ये सब क्या हलकट? हलकट मुंह से ऐसी आवाज क्यों निकल रहे हो, कौन मर गया? आज आपकी पुण्यतिथि है ऐसा हम लोगों ने सुना है। क्या बोला रे हलकट? ए वसु उठा ले इसको, इसको अपनी मिर्ची की फैक्ट्री में ले चल, इसके साथ बहुत मजा आएगा। क्यों, तुमसे कुछ नहीं होता क्या? हर काम के लिए तुम्हें चमचों की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब तुम अपने बाप के नहीं हो, दूसरे की पैदाइश हो। ऐ! आज तक तुम जो भी हो इन सब की वजह से हो, आज तक अगर तुम जिंदा हो तो इन सब की कमजोरी की वजह से हो। इन लोगों को गुस्सा आ जाए तो तुम जैसों के औकात नहीं, लोगों के भीख पे पल रहे नीच इंसान हो तुम। चलने वाला बारूद अगर बंदूक में है तो लोगों के अंदर भी है, इसे छोड़ो, हिम्मत है तो मुझसे लड़के देखो। इन्हीं हथियार के दम पर तुम कमजोर और छोटे लोगों को डराते रहते हो ना, अगर वाकई तुम मत के बच्चे हो तो हथियार फेंक के मुझसे लड़ो, मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर कितनी आग है। जीत गए तो जो मांगोगे मिलेगा। महारानी आ आ, तुम लोग ऐसे आदमी के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे ना, अगर वही ताकत तुम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते तो इसका अंत कब का हो चुका होता। इसको ले जाओ यहाँ से, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो,
वही आदमी है जिसने तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारे डर को अपना हथियार बना के तुम्हें डराता रहा। स्कूल को बंद करवा कर तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। मारो इसको। मैडम, मैडम मुझे मत मारो मैडम, मुझे छोड़ दो मैडम। आज से मैं लोगों की सेवा करूंगा, तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम। एक मिनट। एक बार बचा लीजिए, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं भी एक अच्छे आदमी की तरह जिंदगी जीऊंगा मैडम। मुझसे गलती हो गई। इसे नीचे उतारो। ये लो जमीन के कागजात, इसे जला के राख कर दो। बहन, आज से हमारा ये गांव सिर्फ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सुनो, आज से यहाँ कानून का दिया जलेगा, हम सब लोग भाई भाई बनकर रहेंगे, भाई भाई बनकर। हेलो, हे, नो मीटिंग, नो कॉन्फ्रेंस, नो न्यू डीलिंग्स, टू हेल विथ एवरीथिंग। ए स्टूपिड, सब लोगों को मना कर दो, बिजनेस मेरा है, नुकसान होगा तो मेरा होगा। रास्केल, सवाल मत करो, फोन रखो। वन सेकंड, गवर्नमेंट की ओर से मेरा थैंक्स एक और क्रिमिनल को मेरे पास भेजने के लिए। तुम मुझे उन लोगों के पास भेजते हो और वो लोग मुझे तुम्हारे पास भेजते हैं, ये सब क्या है? यहाँ अपने बेटे के गले में डालना जो आज जेल से छूट कर आ रहा है, और कोशिश करना कि वो सुधर जाए, समझ गए? सुनो, मरने के बाद मैं यही हार तुम्हारे गले में डाल के जाऊंगी। क्या हुआ, राहुल घर में नहीं आया? पता चला है उसे सुबह छोड़ दिया गया है, मगर वो घर नहीं आया, ये लेटर छोड़ के गया है। इसमें लिखा है कि उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। और कहाँ गया होगा? जिस लड़की से प्यार करता है उसी के पास गया होगा। सुनिए सुनिए, यहाँ पे इंस्पेक्टर झांसी का घर कहाँ है मालूम है? आगे से बाएं जाना, फिर उसके बाद दाहिने जाना, बस वहीं पर है। चित्रा, चित्रा क्या हुआ? चित्रा, मुझसे मुंह फेर कर जा रही हो तुम? तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? तुमसे मिलने के लिए मैं भागा भागा चला आया। हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं क्या चबूतरे का पहरेदार दिख रहा हूँ? इस गांव में हम औरत को देवी की तरह मानते हैं, और तू उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। कहाँ का रहने वाला है तू, बता? बैंगलोर से, आरसी पटेल का बेटा राहुल। ओहो, तू पटेल का बेटा है? अब मेरा एड्रेस, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ यही है, इसके सिवा मुझे कुछ और याद नहीं है। ऐसा, जो प्यार करते हैं वो प्यार से भागते हैं? लगता है नई कहानी है, चल आगे बढ़ते हैं। चल, ऐसे कटिंग करना चाहिए क्रॉस करके। आप कटिंग करने में होशियार हैं, ये मुझे आज ही पता चला। आप दुनिया भर को नीति और धर्म के बारे में बताती हैं, और खुद दो प्यार करने वालों के बीच में खड़ी हैं, दीवार बनके। कौन सा प्यार, कौन सी दीवार? मैं चित्रा और राहुल की प्रेम कहानी की बात कर रहा हूँ। राहुल, वो यहाँ पर आया है क्या?